तो ये है हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट, और इसमें हम बताने वाले थे कि कैसे हमें स्पीड कंट्रोल करना है इस ड्राइवर की मदद से। तो सबसे पहले आपको जो दोनों साइड जंपर लगे हैं उनको निकाल लेना है। और लास्ट टाइम हमने 4 पोर्ट वाली ये फीमेल पिन यूज़ की थी, पर इस बार आपको 6 पोर्ट वाली चाहिए है। तो यहाँ मेरे पास 6 पोर्ट वाली पिन है, तो इसको आप लोग प्लग इन कर लीजिए। तो अब हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो लास्ट टाइम का आपने प्रोग्राम देखा ही होगा, जो मैंने लिंक दी थी डिस्क्रिप्शन में। और इस जगह आपको 2 पिन और दिख रही होंगी पिन मोड में नई, जो है 10 और 11, और ये भी PWM सपोर्ट करती है। और प्रोग्रामिंग में आपको थोड़ा चेंज ये दिख रहा होगा कि हमने एनालॉग राइट का यूज़ किया है, और है एनालॉग राइट की पिन के सामने 255 है, जो कि मैक्स स्पीड है 255। तो आप देख सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हमने 255 पे करा है, और अब चलिए इसको अपलोड करके हम लोग प्ले करते हैं अपने ऑर्डिनो से। तो अब चलिए हम लोग ये 6 पिन अपने ऑर्डिनो यूनो से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें लास्ट टाइम जैसे हमने 4 पिन कनेक्ट की थी, तो उसी टाइप से आपको कनेक्ट करनी है। यहाँ है जो अपनी ऑर्डिनो जो सॉरी मोटर ड्राइवर की जो फर्स्ट पिन है वो ऑर्डिनो की 3 में जाएगी, जो सेकंड पिन है वो ऑर्डिनो की 5 में जाएगी, और जो थर्ड पिन है मोटर ड्राइवर की वो ऑर्डिनो की 6 में जाएगी, और जो फोर्थ पिन है वो ऑर्डिनो के 9 में जाएगी, और जो ENA और ENB पिन है वो लोग 10 और 11 में जाएंगी। तो मैं जल्दी से ये सारी पिन कनेक्ट कर लेता हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको मोटर ड्राइवर का ग्राउंड भी इस ऑर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है, कि दोनों में ग्राउंड कॉमन हो जाए। सारे कनेक्शन कर लिए हैं, अब चलिए हम लोग दोनों को पावर करते हैं, ऑर्डिनो यूनो को और इस बैटरी पैक को। चलिए जल्दी से हम लोग इसका VCC यानी +9 वोल्ट की बैटरी का कनेक्ट कर लेते हैं अपने मोटर ड्राइवर से। और अब हम लोग एक पावर बैंक और USB केबल के थ्रू इस ऑर्डिनो यूनो को भी पावर करेंगे। तो ये हमारी USB केबल और वो है हमारी पावर बैंक। तो जल्दी से हम लोग USB केबल कनेक्ट करते हैं ऑर्डिनो से और पावर बैंक से इसको कनेक्ट करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर घूमने लगी है, और दोनों फुल स्पीड पे हैं, जैसे कि हमने 225 किया था, और जैसी हमारी प्रोग्रामिंग थी। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता ही है प्रोग्रामिंग कैसी थी, तो उसी हिसाब से ये भी घूम रही है, क्योंकि हमने उसी प्रोग्राम में एनालॉग राइट और दो PWM सिग्नल के लिए हम लोगों ने पिन मोड किया है। तो अब चलिए हम लोग इसकी स्पीड बदल के देखते हैं। तो अब चलिए हम लोग इस प्रोग्राम की मदद से स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो अब चलिए कोई भी यूनिट लिख दीजिए, यहाँ मैं 125 लिख रहा हूँ हर जगह, जैसे कि यहाँ फर्स्ट मोटर के लिए लिखा मैंने, सेकंड मोटर के लिए लिखा, और ऐसे ही लिख देते हैं अपन लोग किसी भी मोटर के लिए, और देखेंगे कि स्पीड कम होती है कि नहीं। आप भी कोई भी 80 या फिर ज़्यादा ही 225 का 200 लिख दीजिए, या फिर 195 कुछ भी लिख सकते हैं, और उससे आप देख सकते हैं उतनी स्पीड पे चलेगी PWM के जरिए। तो अब चलिए हम लोग अपने ऑर्डिनो यूनो को पावर करते हैं वापस पावर बैंक से। और हमने पावर किया, और आप देख सकते हैं हमारी दोनों मोटर चलने लगी हैं। अब आप देख सकते हैं कभी कोई धीरे चल रही है, कभी कोई तेज चल रही है, और हमारी वही प्रोग्रामिंग जैसे एक मोटर रुकेगी और दूसरी चलेगी तो वो काम कर रही है, उसके साथ स्लो और फास्ट का भी काम कर रही है ये। तो आप देख सकते हैं इस मोटर में एक राउंड स्लो घूमती है और एक राउंड तेज घूमती है, जैसे कि ये तेज घूमा और ये स्लो घूम रही है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हमारी स्पीड कम करने की PWM के ज़रिए काम कर रही है। तो आप ऐसे आराम से इन DC मोटर की स्पीड कम कर सकते हैं इस मोटर ड्राइवर की, जिसका नाम है L298N।